हेलो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। इसमें आप जो पहला स्विच देख रहे हैं, जो एक वाटर सिलेक्टर होता है जिसको हम आगे और पीछे करके इसमें अंदर पानी डालते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप। और इसमें ये पहला स्विच जो रोटरी स्विच देख रहे हैं, यह इसका यूज मेनली हैवी कपड़े, नॉर्मल कपड़े और डिलीसिप मतलब जो थोड़े हार्ड कपड़े होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। जो सेकंड स्विच है डायरेक्ट जो लेवल लिखा है, जिसका यूज हम जिसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए हम कपड़ों को धुलाई के लिए लगा सकते हैं। और तीसरा स्विच जो है वॉश, यानी उसको घुमाने के लिए काम आता है। ये और एक है ड्रेन, यानी उसमें जो गंदा पानी है हम उसको बाहर कर सकते हैं। ये इस स्विच का काम है। इसके अंदर एक ड्रायर भी होता है जो कि कपड़ों को सुखाने में यूज होता है। इसमें कपड़े मेनली इसमें आप रिस्ट्रिक्शंस भी देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हमें दे रखी हैं कि शॉर्ट सर्किट भी लग सकता है, आप इसके अंदर हाथ ना डालें। और ये है इसके अंदर जो वॉशिंग होती है कपड़े, इसके अंदर कपड़े डालने के बाद जो इसको घुमाया जाता है वॉश वाले को, जो टाइमिंग सेट किया जाता है 5 मिनट 10 मिनट, जैसे हम आपको इस पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए अभी घूम रहा है, तो हम इसी हिसाब से कपड़े धुल सकते हैं। और ये इसी हिसाब से मशीन कपड़े धुलती है, उसको वॉश करती है अच्छे से। और इसके अंदर अच्छे तरीके से वॉश होता है। इसमें अंदर छोटे छोटे जो ब्रश लगे हैं वो इसको साफ़ करने के लिए हेल्प करते हैं कपड़ों को। इसमें टर्बो चार्जर होता है जो कि कपड़े सुखाने के लिए काम में आता है। इसमें ड्रायर स्विच होता है जो टर्बो, इसमें जेट हवाएं जो बहती हैं जो कि कपड़ों को एकदम फास्ट और इजी तरीके से सुखाती हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर।